वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रदीप नायक एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, जहाँ पर मैं अपलोड करता हूँ वीडियो रिलेटेड टू बेसिक मैथमेटिक्स फॉर प्लस वन प्लस टू बी एस सी एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ऑल्सो वीडियो रिलेटेड टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ कंसेप्ट। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, उसके लिए कौन कौन से रूल्स हैं, ठीक है, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो पहला रूल है साइन इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एक्स के भी रिस्पेक्ट। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, या फिर साइन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करते हैं एक्स के भी रिस्पेक्ट। तो देखिए, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। वाई यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो उस फंक्शन की अलग से आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। वाई का अलग से डेरिवेटिव फाइंड आउट कर दो। सिमिलरली सेकंड फार्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉज इनवर्स वाई। कॉज इनवर्स वाई का डेरिवेटिव एग्जैक्टली ऐसा ही होता है जैसा साइन का होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस किसका रहता है, साइन का। यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा और ये पॉजिटिव, और वाई का अलग से डेरिवेटिव। सिमिलरली टेंजेंट इनवर्स वाई का डेरिवेटिव, ये थर्ड फॉर्मूला है। टेंजेंट इनवर्स वाई का डेरिवेटिव जब हम फाइंड आउट करेंगे, इट विल बी वाई स्क्वायर प्लस वन, वन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन, या फिर वन प्लस वाई स्क्वायर, आप जैसा अपने हिसाब से लिखना चाहो वैसा लिख सकते हैं, ठीक है। और वाई का हम अलग से डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, इट विल बी वन प्लस वाई स्क्वायर या फिर वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलरली फॉर cot इनवर्स y, cot इनवर्स y का डेरिवेटिव क्या होता है, इट विल बी नेगेटिव ऑफ वन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन। जो वन ऊपर टेंजेंट के लिए जो डेरिवेटिव था एग्जैक्टली cot के लिए भी वही होगा, लेकिन सामने क्या रहेगा, नेगेटिव, और y का डेरिवेटिव अलग से करना पड़ेगा जो भी यहाँ पर y फंक्शन होगा। नेक्स्ट फिफ्थ इज secant इनवर्स y, secant इनवर्स y का डेरिवेटिव वन अपॉन वाई स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वन, और y का अलग से डेरिवेटिव। सिमिलरली cosecant, cosec इनवर्स y का डेरिवेटिव जब हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव क्या एग्जैक्टली ऐसा रहेगा, लेकिन साइन माइनस का होगा, वाई स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वन और y का अलग से डेरिवेटिव। तो दीज आर द फॉर्मूलाज टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव साइन 2x प्लस 1 इनवर्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो बड़ा सिंपल सा है, आपने रूल के अकॉर्डिंगली चलना है। y यहाँ पे 2x प्लस 1 है, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो y अगर ये है तो क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस वाई इज 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड डेरिवेटिव ऑफ y, y इज 2x प्लस 1, इसका अलग से डेरिवेटिव करो। इसका डेरिवेटिव जब आप फाइंड आउट करोगे, इट विल बी 2, इसका डेरिवेटिव 2 आएगा, x 1 का होगा 0, तो नीचे क्या बच रहा है, 1 माइनस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप इसको एक्सपेंड करके सॉल्व कर दो, दैट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है। हो सकता है टेंजेंट इनवर्स यहाँ पे साइन x दिया हो, इसका डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो, y कुछ भी हो सकता है, जो ये y है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, इवन अगेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, इट कैन बी एक्सपोनेंशियल, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ भी हो सकता है, तो हम कैसे डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे इसका, सिंपल। अगर आपको ये पता है टेंजेंट इनवर्स y का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव भी आप बहुत ईजिली फाइंड आउट कर पाओगे। तो रूल के अकॉर्डिंगली क्या है, टेंजेंट इनवर्स y का 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1, यानी जो ये y है इसका स्क्वायर, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, ये हो गया y, माइनस सॉरी प्लस 1, ठीक है, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 1, और डेरिवेटिव ऑफ y, y इज साइन x, इसका डेरिवेटिव हम अलग से निकालेंगे। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन, ये इसका आंसर होगा, क्लियर है। तो इस तरह से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। अब कुछ और फॉर्मूलाज हैं जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेस पे आ सकते हैं, देखिए वहाँ पे किस तरह से आता है क्वेश्चन।
वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल डेरिवेटिव तो हमने फाइंड आउट कर दिया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब अगर मान लो क्वेश्चन आता है साइन एक्स, साइन एन एक्स का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, साइन एन एक्स का डेरिवेटिव या फिर कॉज एन एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, ठीक है, या फिर टेंजेंट एन एक्स का डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड आउट करोगे। इसके लिए भी एक दो क्वेश्चंस में यहाँ पे एज एन एग्जांपल करता हूँ। तो देखिए, तो साइन एन एक्स मतलब ये किस फॉर्म को होगा, मान लो आपके पास आ गया साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करो जी, ठीक है। तो साइन क्यूब एक्स को आप लिखेंगे कैसे, पहले देखो जो साइन एन एक्स इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है साइन एक्स का होल एन, इसका डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। साइन एन एक्स का मतलब एक्चुअल में ये होता है साइन का होल पावर एन। तो आपको पता होगा एक अगर इसको मैं वाई ट्रीट करके चलूं और ऊपर इसकी पावर एन है तो वाई रेज टू द पावर एन का डेरिवेटिव सभी को पता होगा, वाई रेज टू एन का डेरिवेटिव था एन, आगे लिखेंगे वाई की पावर एन माइनस वन और फिर जो ये वाई होता है इसका अलग से डेरिवेटिव, ओके। तो एग्जैक्टली हम इसको कैसे करेंगे, एन आगे लिखेंगे साइन एक्स की पावर एन माइनस वन एक कम हो जाएगा, ठीक है, बेशक आपने होल में लिखना बाहर अभी एन माइनस वन, और तब जाके डेरिवेटिव करेंगे हम किसका, साइन एक्स का, ठीक है। तो ये है इसके लिए रूल। तो मान लो ऐसा एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, साइन क्यूब एक्स का आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हमने सबसे पहले करना क्या, जो थ्री है इसको आगे लिख लो, बड़ा सिंपल सा है, थ्री आगे लिखा साइन एक्स की पावर क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, टू लिख लो। और अब आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा किसका, साइन एक्स का। तो ये क्या बना, थ्री साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का अलग से डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये आंसर होगा, क्लियर। यानी आप इसको रिलेट कर सकते हैं वाई रेज टू द पावर एन वाले फॉर्मूला से। तो वाई रेज टू द पावर एन, एन एन आगे आएगा वाई एन माइनस वन और वाई की अलग से डेरिवेटिव, यानी जो ये होल है साइन एक्स इसको हम क्या ट्रीट करके चलेंगे, वाई, और पावर में क्या है थ्री, ये हो गया एन। तो स्टेप क्या बताते हैं इस फॉर्मूला के, कि जो एन है उसको आगे लिखेंगे वाई, वाई क्या है साइन एक्स की पावर एक कम हो जाएगा, बिल्कुल हुआ है टू देखो, और फिर जो ये साइन एक्स है ये क्या है वाई, वाई का अलग से डेरिवेटिव होगा वो हमने किया, और फाइनली आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो एन आगे आएगा कॉज एक्स की पावर एक कम हो जाएगा एन माइनस वन और कॉज का अलग से डेरिवेटिव। सिमिलरली फॉर टेंजेंट एन एज इट इज, टेंजेंट एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगा और डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट एक्स का, क्लियर है। तो इसी तरह से हम बाकी के फॉर्मूलाज भी बना सकते हैं, यानी अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है पावर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, अगर टू थ्री फोर फाइव पावर आता है उसका डेरिवेटिव हम बिल्कुल इन फॉर्मूलाज को यूज़ करके कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एक और एग्जांपल लेते हैं लास्ट, मान लो आपके पास है टेंजेंट रेज टू द पावर फोर एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो टेंजेंट रेज टू द पावर फोर एक्स, देखो पावर में फोर है, टेंजेंट एक्स यहाँ पे वाई है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फोर आगे लिखेंगे और टेंजेंट एक्स का पावर एक कम हो जाएगा थ्री। अब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे किसका, अब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट एक्स का, तो इट विल बी फोर टेंजेंट क्यूब एक्स, इसको अंदर लिख लो, और टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सिकेंट स्क्वायर एक्स, ये टेंजेंट का डेरिवेटिव सिकेंट स्क्वायर एक्स होता है, तो ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इसका, क्लियर है। तो देखो जो ये कंसेप्ट है ये सारे रिलेटेड है जो हमने बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ा था, तो आई टैब पे जाके आप वो सारी बेसिक डिफरेंशिएशंस देख सकते हैं जिसके बेस पे आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आज हमने पढ़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसकी पावर में एन हो, यानी पावर में एन की जगह टू थ्री फोर फाइव कुछ भी हो सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।